जहां हमारे अब तक शोज नहीं हो पाए थे या जिस सिटी में हम नहीं जा पाए थे, अब मिलेंगे सबसे आपसे, यूपी वालों से, राजस्थान वालों से, हरियाणा वालों से, सबसे। और बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ वो प्रमोशनल टूर होगा, तो तब आप सबसे मिलेंगे। जिनसे नहीं मिल पाए अब तक उनसे भी मिलेंगे। लव यू सैतन, लव यू टू लाडले। आएगी कौन से महीने में आएगी आपकी मूवी, वो आपको पोस्टर में पता चल जाएगा, पोस्टर बहुत ही जल्द आएगा। और एक चीज और जो मैंने देखी है कि एक नेगेटिविटी फैलाई जाती है कि गुलजार हमेशा लेट करता है, या तो वो हाइप बनाने के लिए गाने को लेट करता है ताकि हाइप बन जाए गाने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि चीज टाइम पर आए, और हाइप बनाए ऐसे लेट कर करके उस तरह के कलाकार हम नहीं है। हमें सीधा काम करना आता है, ये टेढ़ी चीजें करनी हमें नहीं आती हैं। गाना लेट होता है सिर्फ काम की वजह से, एडिटिंग की वजह से, क्योंकि सावन के महीने में 10 महीने में ऐसी चीज बनाकर अपलोड करना बहुत मुश्किल होता है सर, किसी भी टीम के लिए। हर किसी में कहीं ना कहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, और टाइम मैनेजमेंट में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। हम भी चाहते हैं कि गाना उसी दिन रिलीज हो जिस दिन हमने बताया है, हमें भी बुरा लगता है। जब गाना लेट हुआ था तो सारी रात हम सोए नहीं थे, हम बस ये थे कि एडिट पे किसी तरीके से बैठे हुए थे कि कंप्लीट करना है करना है। लोगों के फोन आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि भाई लेट हो गया, ये हो गया, हमें भी बहुत बुरा लग रहा था, और हम तब बस ये कर रहे थे कि कैसे न कैसे बस एडिट हो जाए। और VFX का वर्क था सारा, हम उस पे ज्यादा पुश कर नहीं सकते, वो बंदा ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहा होता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक क्लिप में निकालता है, 3-3 सेकंड की क्लिप में 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं सर, और इतनी क्लिप्स लगी हैं, वो आपको मेहनत दिख रही होगी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के जो फेक र्यूमर्स हैं वो ना फैलाया करें कि हाइप बनाने के लिए लेट होता है या कुछ भी ऐसा। सपोर्ट कीजिए, पॉजिटिविटी रखिए, वो ही अच्छा है। बाकी बहुत प्यार दिया आपने, हमारी मेहनत सफल कर दी, पूरी टीम बहुत खुश है हम, और दिल खुश हो गया आपका प्यार देख के। शुरू शुरू में हमें डर था कि हम